दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय O2IAS अकेडमी चंडीगढ़। अब घर बैठे ही करें IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी। O2IAS अकेडमी की आपके साथ ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं। सिविल अस्पताल ज्वाली में सुविधाओं का अभाव है। बिजली की तारें यहां वहां लटकी पड़ी हैं, ट्यूबलाइट्स खराब हैं, सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं दिखती। अस्पताल में चिकित्सा सुविधा का ये हाल है कि मरीज के साथ आए तीमारदार भी बीमार हो जाएं। सिविल अस्पताल ज्वाली में रात को मच्छर ही मच्छर होते हैं, जिस कारण मरीज व तीमारदार का बैठना या सोना मुश्किल हो जाता है। मरीज के साथ आए तीमारदार अपनी चुनरी या तौलिये से मच्छर को उड़ाते नजर आते हैं और अस्पताल प्रबंधन को कोसते दिखते हैं। मच्छरों के काटने से मरीज व तीमारदार डेंगू की चपेट में भी आ सकते हैं। मरीजों के कमरों में लगाने के लिए कोई भी दवाई नहीं रखी गई है। हर साल रोगी कल्याण समिति की बैठक में लाखों रुपए के खर्च का ब्यौरा दिया जाता है, लेकिन आखिरकार अस्पताल प्रबंधन रोगी कल्याण समिति के लाखों रुपयों को कहां खर्च करता है। मरीजों ने मांग की है कि अस्पताल में मच्छरों को मारने वाली दवाई का छिड़काव किया जाए, ताकि मरीजों व तीमारदारों को मच्छरों से निजात मिल सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।